Okay. So now we are continuing our intraday trading lesson. Last time हम लोगों ने बात की कि छोटे से loss को control करो, तो उसको आप कभी भी cover कर सकते हैं। अब profit booking की बात हो रही है कि जब भी आपको profit booking करना है, तो जैसे-जैसे price बढ़ती जाए, आप part profit booking करते चले जाएंगे। अगर आपके पास single बड़ा lot है, तो आप switch करके उसको छोटे lot में ला सकते हैं future की case में। और केश की बात है तो तब तो आपके पास फ्रीडम है ये टुकड़े टुकड़ों में बेचने की। तो सबसे पहले बड़ा पार्ट, फिर छोटा और फिर सबसे छोटा पार्ट रखिए सबसे बड़े प्रॉफिट के लिए। और जहां आपको क्लैरिटी लगती है कि नहीं अब तो बहुत बड़ी तेजी आने वाली है, तो फिर से आप एक बड़ी क्वांटिटी ऐड करें, लेकिन डिप में डिफेंसिव बाइंग करो और बहुत छोटा स्टॉप लॉस यूज करो। वो टेक्निक्स तो हमने कई बार डिस्कस की भी है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। आगे हम उसको डिटेल में डिस्कस भी कर सकते हैं। कभी बढ़ता शेयर हम कम फायदे में बेच देते हैं तो अफसोस होता है। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बेच कर पछताना अच्छा है, नहीं बेच के पछताने से। एक समय में दो या तीन से ज़्यादा ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा हैंडल करना, मैनेज करना आपके लिए मुश्किल होता है। फिर भी अगर बहुत अच्छा बाजार है और हर जगह बारिश हो रही है प्रॉफिट्स की, और आपको पाँच पाँच छः छः ट्रेड एक साथ करना है, तो उसका एक तरीका है। वो तरीका ऐसा है कि जो क्वांटिटी आपकी बिल्कुल रिजनेबल है, जो स्टॉप लॉस आपका बहुत रिजनेबल और प्रॉमिसिंग है, इसे दो ट्रेड को तो आपने एक तरफ रख दिया, और जो जो चीज़ें आपको लग रही है कि अभी एकदम से मूवमेंट आ रहा है और आप स्कैल्प ट्रेडिंग कर एक तरीके से तेजी से आप ट्रेडिंग करके एंटर करके और प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना चाहते हैं, तो एक बड़ी क्वांटिटी छोटे स्टॉप लॉस के साथ और छोटे टारगेट के साथ फटाफट बुक कर करके बाहर होते जाओ। एक साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पाँच छः पोजिशन स्टॉप लॉस के साथ लेके बैठे और आपको थोड़ी देर पहले लग रहा है कि सभी चीज़ों में दो दो ढाई ढाई हज़ार रुपया आ रहा है, 2000 2500 कुल मिला के 9000 प्लस दिख रहे हैं, और एकदम से रिवर्सल आया मार्केट में, सीधा डिप आया और सीधा आप 8000 रुपया 8000 रुपीज़ माइनस हो गए। यही चीज़ें जो इंसान के तोते उड़ा देती है, उसको परेशान कर देती है। ओवर ट्रेडिंग में टैक्स भी भारी पड़ता है, और इससे में डिप आ जाए तो फायदे नुकसान में बदल जाते हैं। और जब आपको लगता है कि चलो 9000 रुपया लगाया, तो पीछे से खबर आती है कि 9000 नहीं 12000, ब्रोकरेज और टैक्स का पैसा भी जुड़ जाता है। हर शेयर के एक दिन में बढ़ने या घटने की लिमिट होती है, तो स्टॉक मार्केट में वो लिमिट फिक्स है, और एक बार अगर वो सर्किट लग गया तो उसके ऊपर प्राइस जाती है। तो ऊपर जाके अगर बायर्स इकट्ठे हो गए तो सेलिंग ख़त्म हो जाती है, तो अपर सर्किट कहलाएगा, अपर सर्किट में आप खरीद नहीं सकते। और अगर गिरते गिरते सेलर्स ही सेलर्स रह गए और बायर्स गायब हो गए, तो वो लोअर सर्किट कहलाएगा, लोअर सर्किट में आप बेच नहीं सकते। तो सर्किट के बहुत सारे लोग इस तरह सर्किट का गेम खेलते हैं, सर्किट का तरीका अपनाते हैं कि जो जो चीज़ें सर्किट के करीब पहुंच रही है, जनरली ये सर्किट मिड कैप स्टॉक्स में लगते हैं, तो जो जो चीज़ें सर्किट के करीब पहुंच रही है उनमें अपर सर्किट के लेवल पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखी। तो अगर पांच स्टॉक ऐसे लग रहे थे कि इनमें सर्किट लग सकता है, तो पांचों में उन्होंने स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखी और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखे छोटी छोटी क्वांटिटी में, और उसमें से दो में सचमुच सर्किट लग गया। सर्किट लगने के बाद वो सर्किट बना रहा आखिर तक, तो अगले दिन वो गैप अप ही खुलेगा। तो उन दो स्टॉक्स में अगर वो लेके जा रहे हैं, तो सीधा सीधा उनको 1.5-2% का मार्जिन मिल जाता है। सुबह खुलते ही, स्टॉक मार्केट खुलते ही पहले मिनट में, बल्कि पहले 10 सेकेंड में उसको बेच के बाहर हो जाते हैं। तो ये एक सर्किट का तरीका मैंने बताया आपको। यदि कोई शेयर बढ़ के नीचे की तरफ आ रहा है, कोई स्क्रिप कमोडिटी बढ़ के नीचे की तरफ आ रही है, उसको वॉच करते रहे। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ कहाँ होती है, जैसे आपने देखा 3 दिन से कोई चीज आपके सामने गिरी, बहुत गिरी, आप उसको वहीं पे खरीद लेते हैं, तब वो अभी एकदम से नहीं बढ़ जाएगी, अब वो अगले 5-7 दिनों तक जैसा उसको बिहेवियर हो, 5-7 दिनों तक या 15-20 दिनों तक वो रेंज बाउंड रहेगी। वो रेंज बाउंड रहने के बाद जिस दिन उसमें बायर्स आए, जिस दिन उसमें वॉल्यूम आए, वो एवरेज के ऊपर जाए तेजी से और सेक्टर सपोर्ट कर रहा, उस दिन बाइंग कीजिए। क्योंकि मैंने लोगों को नुकसान यहां भी उठाते देखा है कि सही समय का मतलब जल्दी नहीं होता। बहुत सारे लोग किसी चीज को बहुत जल्दी खरीद के बैठ जाते हैं बॉटम में, और ऐसा भी नहीं कि वो उससे ज्यादा नीचे गिरा हो, वो बैठा रहा वहां बॉटम में और बहुत दिनों तक मूवमेंट नहीं आया, तो आपका मन तो चंचल है। तो 5-7 दिनों में आपने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि अच्छा खासा 5-10% मिल जाएगा, और वो 2-3% ऊपर गया फिर लुढ़क गया, 2-3% ऊपर गया फिर लुढ़क गया, तो आप थक गए देखते देखते। ये टेक्निकली
डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बन रहा है। और जब सबसे अच्छा मौका आया, जहां से रैली शुरू होने वाली थी, थक के आखिरकार आपने वहीं पे चीजों को बेच दिया। जैसा अभी हम रिलायंस इंडस्ट्रीज में बात कर सकते थे कि किसी ने 860 870 पे बाय कर लिया, अब वो नीचे चला गया वापस 840 845, कभी 50 कभी 55 कभी 60 65 फिर 850 फिर 840 फिर 860 फिर वापस 845, तो आपका पेशेंस जवाब दे जाता है। फिर एक दिन जैसे ही 65 70 हुआ, आपने कहा अब गलती नहीं करूंगा, अब 70 पे आपने सेल किया और अगले दिन वो 900 पे दिखा। तो ऐसी चीजें मिस करते हैं आप। तो सही समय का मतलब जल्दी से खरीद के बैठ जाना नहीं होता, सही समय का मतलब ये फिशिंग जैसी एक्टिविटी है ट्रेडिंग, मतलब आप कांटे डाल के बैठे हो, आपको नहीं पता कि मछली कब आएगी, लेकिन जब भी आएगी, जब वजन लगेगा तब आप ट्रेड में एंटर करेंगे और तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये सुबह शाम जाके पूछना क्या ले लूँ क्या बेच दूँ, ये बुरी आदत है। चुपचाप बैठो, सांस ले लो, यानी कोई पूछता है आती क्या ले लूँ क्या ले लूँ, क्या दिख रहा है, सांस ले लो। मेरे पास भी जो ट्रेडर सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं वो ऐसे ट्रेडर हैं कि उनके दिन में 3 बार फोन आ जाते हैं, जैसे सुबह सुबह टिप्पणी आई अभी तक कब भेजोगे, अभी कुछ ले लूँ क्या, वो उनको नुकसान होते हैं। क्योंकि कुछ नहीं करने से आपका कुछ बिगड़ नहीं रहा है, लेकिन गलत करने से आपकी कैपिटल में से चीज़ें जा रही है। तो कभी कभी इस तरह का डिस्कशन होता है कि 10,000 रुपये मिल जाए या 10,000 रुपये लग जाए एक ही बात है, एक ही बात नहीं है। 10,000 रुपये आपको नहीं मिले और मौका चला जाए तो आप आराम से घर जा सकते हो, शक्ल दिखा सकते हो, आराम से सो सकते हो। लेकिन अगर आपके 10,000 रुपये में से 1,000-1,000 रुपये रोज जा रहे हैं या 10,000 रुपये माइनस करके घर जा रहे हो, तो फिर आप सो नहीं पाओगे। और आपके 10,000 ऐसे 10 दिन तक चले गए तो 1,00,000 रुपये खत्म और घर बैठना पड़ेगा। तो दोनों बातें एक कतई नहीं है। यदि कोई शेयर बढ़ के नीचे की तरफ आता है तो उसको देखते रहो, फिर उसमें मूवमेंट आने का इंतज़ार करो, और जब उसमें वो मूवमेंट आए, बाइंग मूवमेंट टेक्निकली उसमें वो बात बने, तब जाके ऑप्शन बाइंग करो। कल जो शेयर बहुत बढ़े उनमें ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है, तो आप सेकंड या थर्ड ऑप्शन को देखो कि जो चीज़ें नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है उनमें बाइंग करो, और जो चीज़ें ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है उनमें सेलिंग करो। हाई पर शेयर ले और लेके बैठ जाए, मतलब लोग स्टॉक्स में डिलीवरी उठाते नहीं है, डिलीवरी चिपक जाती है। डिलीवरी वो गए और उन्होंने ये सोच के लिया कि चलो चीज़ मैं ले लेता हूँ, आज ये सेक्टर अच्छा है, ये अभी प्रॉमिसिंग लग रहा था, सब लोग चिल्ला भी रहे थे चैनल पे, तो ऐसा है कि जो चीज़ भाग रही है उसके लिए सब लोग बोलने लग जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि सोना जब 32,000 हुआ तो 35,000 40,000 के टारगेट्स आने लगे और आप घर घर में बातें होने लगी कि यार सोना 40 हो जाएगा, सोना 40 हो जाएगा, तो आपको लगा सब बोल रहे हैं तो फिर वही होगा, और यही तो नहीं होता है। तो हमको क्या देखना है, कोई चीज़ हमने इंट्राडे के लिए बाय की ऊपर के लेवल पे, तो वहाँ तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी था। क्या आपने कोई चीज़ 850 से आपके सामने 880 गई वहाँ पे बाय कर लिया, अब 880 से वो 890 900 जा रही तो ठीक, नहीं तो 875 और 70 आए तो फटाफट बाहर निकलो। लेकिन आपने देखा वो चीज़ नीचे आ गई तो आप लेके बैठ गए कि नुकसान में कैसे बेचूं। अब वो लुढ़कते 850, फिर एक दिन आपने देखा 840 आया तो बोले ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है, ये तो मार्केट है, यहाँ तो ये सब चलता है। अब 840 तक तो आप में बड़ी ताकत थी, 840 से वो फिर 815 आ गया तो आप बोलते अरे यार बहुत नीचे आ गया, क्या हो गया इसमें। और एक दिन जब मार्केट में तीसरी कैंडल बनती है वो सबसे बड़ी बनती है, उस दिन जब आपने 770 देखा तो फिर आपके मुंह से गाली निकली, यार अच्छा खासा फंस गए यार, इससे तो वहीं निकल जाते तो अच्छा था। तो ये गड़बड़ क्यों हुई कि आपने लिया था इंट्राडे के लिए और उसको डिलीवरी बना डाला, और डिलीवरी के लिए अगर आप शेयर उठा रहे होते तो फिर आप दौड़ती हुई ट्रेन पर नहीं चढ़ते, फिर आप ये चीज़ देखते कि जो पिछले हफ्ते पिछले महीने में जो सबसे अच्छी गिरी है वो चीज़ मैं उठा के रख लेता हूँ, और अभी हो सकता है 5-10 दिन तक ये हिले भी नहीं, लेकिन अल्टीमेटली ये ऊपर जाएगी तो मुझे 5% मिल जाएगा, मैं बेच के बाहर आ जाऊँगा। तो ये चीज़ को समझना है। फिर दूसरी बात, बढ़ने और गिरने के जो तरीके हैं उस पर बात कर रहा हूँ कि कोई स्टॉक कोई शेयर या कोई कमोडिटी, जब स्टॉक की बात करें तो 1% तक जब गिरता है तो बड़े तमीज से गिरता है, ऐसे धीरे धीरे जाता है कि आपको लगता है कि ओके कोई बात नहीं। तो कोई चीज़ सपोज आपने खरीदी तो 1,000 रुपये का शेयर खरीद लिया 1,000 का,
तो धीरे धीरे आपको दिख रहा है 1000, 999, 998, एकदम जरा सा भी नीचे आएगा रेट होगा तो आपको थोड़ा सा तो दुखता है, चुभता है। फिर आपने देखा कि यार क्या हो रहा है, वापस वो 999, 1000, 1050 ऐसे दिख रहा है आपको। फिर धीरे से आपने देखा 96 हो गया, 95 हो गया, तो आपने मन बना रखा है कि यार ये जैसे ही 90 के नीचे जाएगा वो मैं निकल जाऊंगा। तो चीज़ें जब 1% तक गिरती है तब तक बॉडी तमीज से जाती, तो आपको लगता है चीज़ें सब आपके कंट्रोल में रहेगी। फिर अचानक से ग्लोबल मार्केट खुला या कोई डाटा आया या वो सेक्टर में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, उस स्टॉक में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई और वो वहाँ से धड़ाधड़ गिरता है। तो आपने देखा 91, 90 हुआ और सीधा उसने गिरना शुरू किया 88, 87, 85। आपने कहा बेचो, नहीं जा रहा, क्या करूँ, बोले 83 करके बेचो, 82 हो गया, बोलो क्या करूँ, 75 हो गया, बोले अब क्या, अब आदमी सुन में खड़ा है। कभी कभी तो जैसे फ्यूचर में मैंने लोगों को देखा है कि वो डंब हो गए, बिल्कुल सुन आवाज भी नहीं निकल रही, पड़ोसी भी उनका माल बेच रहे हैं। तो इस तरह की स्थितियां बनती है। इसलिए जब तक वो चीज तमीज में है, मतलब 1% के दायरे में है, तब तक आप अपना डिसीजन लेके, अगर आपको लगता है कि नहीं चीजें गड़बड़ हो सकती है, तो क्वांटिटी कम कर दो। अगर आप फ्यूचर में हो, एक फ्यूचर बेच के कैश में आ जाओ, या फिर उसको हेज कर लो, पुट खरीद लो उसके साथ में, जो भी आप कर सकते हो उस वक्त। लेकिन बैठ के ऐसे इंतजार करने से कुछ होगा नहीं, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और तत्काल डिसीजन मेकिंग सीखना है। आप नहीं सीखेंगे तो बाजार आपको सिखा देगा, लेकिन तब तक सीख लेना जब तक आपके पास बाकी कुछ करने को रहे। मतलब तो यहाँ लोगों को रास्ते तो मिल जाते हैं, लेकिन तब मिलते हैं जब उनकी टांगे कट चुकी होती है। तो हमको किसी भी शेयर से हमेशा की मोहब्बत या नफरत नहीं करना है कि एक दिन लिया स्टॉप लॉस टूट गया, दो दिन लिया स्टॉप लॉस टूट गया, आपने कहा हाथ ही नहीं लगाना, बिल्कुल बेकार चीज़ है, मैं तो इसको पसंद ही नहीं करता। या फिर कोई चीज़ में दो दिन आपने पैसा कमा लिया तो तीसरे दिन टर्मिनल खुला उसके पहले ही जाके कूद पड़े आप, एक दिन 200 शेयर खरीदे थे, 1000 रुपया मिल गया था, दूसरे दिन 500 खरीदे थे, 2500 मिल गया था, अब आपने 2000 शेयर का लॉट उठा लिया और वो 5 रुपये नीचे गया, 10000 रुपये खत्म हो गया। तो आपने कहा ये बाजार ही सट्टा बाजार है। बाजार सट्टा बाजार है कि आप सटोरी है, समझो इस बात को कि क्या कर रहे हैं हम लोग। हम लोग अगर किसी और बिजनेस में या जॉब में होते तो क्या हम तीसरे दिन अपने सैलरी में बढ़ोतरी मांगते हैं? या आप एक दुकान पे खड़े रहते हैं 2 साल तक और वहाँ पे रोज अगर 2000 रुपये का मुनाफा होता है तो 2500 ही रहता है ना, उसको हम अगले दिन 5000 तो बनाने नहीं चाहते। तो अगर आपको ये बिजनेस लगता है तो यहाँ पे किस तरह का तमाशा हमने लगा रखा है। तो मंदी में जैसे तेजी में खरीदने का सौदा हम नीचे लगा के रखते हैं बाइंग के लिए, वैसे मंदी में बेचने का सौदा ऊपर लगा के रखो। जैसे आपने चार्ट खोला, आपको दिख रहा है चीज़ें गिर रही है, तो जैसे अभी आज मैंने निकल का कॉल दिया था, निकल में मैंने 877 था और 882 पे उसका एवरेज था, ATP था, तो मैंने 877-79 पे सेलिंग बोली, 82 पे स्टॉप लॉस लगाया। तो डिफेंसिव सेलिंग किया आपने। कई बार ऐसा होता है कि आपने अगर 77 पे सेलिंग कर दी तो आप 882 पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, एक लहर में वो 881 तक गया और एवरेज के नीचे से ही वापस पलट गया, तब तक आप तो बाहर हो गए ना। तो आपको करना क्या चाहिए कि थोड़ा सा बेस्ट प्राइस पे बेचोगे और उससे ऊपर का स्टॉप लॉस लगाओगे 83 का या 82 का, तो आप बाल बाल बच गए और चीजें वापस नीचे आ गई, आपने पूरा मुनाफा कमा लिया। और मंदी में लोगों को सबसे बड़े नुकसान हुए, मंदी में लोग समझ नहीं आती, तो मंदी में पहले से प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर लगा के रखिए, क्योंकि मंदी बहुत तेजी से बाउंस करती है, नीचे आया एकदम से चीजें नीचे जाती है और एकदम पलट के ऊपर आ जाती है। तो आपको जो लो दिखता है वो कभी नहीं मिलता और आप उस लो के लालच में फंस जाते हो कि मुझे वही प्राइस मिले। तो आपने देखा 890 से कोई चीज़ गिरी और एकदम से 875 आ गई, और 75 पे आपने कहा लो, इतने में 878 दिख रही, तो 78 लो। और नहीं इच्छा हो रही कि नहीं इससे भी बेटर प्राइस मिल सकती है, तो 100 में से 60 शेयर्स का प्रॉफिट तो 78 पे बुक कर लो और बाकी 40 का 72 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जाओ। हर रोज टर्मिनल छोड़ते वक्त अपना ट्रेडिंग रिकॉर्ड चेक करो। ट्रेडिंग रिकॉर्ड चेक करने से आपको हमेशा पता लगता है कि आप किस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने कब कब ट्रेड डाले, कितने ट्रेड डाले, किस क्वांटिटी में डाले, और अभी गलती से क्या माइनस प्लस है वो भी पता लग जाए। और जैसे ही आपको फायदा नुकसान दिखता है तो आपकी डिसीजन मेकिंग को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जैसे किसी व्यक्ति को यहाँ इतनी तेजी से प्रॉफिट्स बढ़ते हैं कि
कि अभी लास्ट टाइम आपने देखा था एक बार अल्टर एफ सिक्स करके, तो आपको पता चला 800-900 रुपए मिले, फिर अल्टर एफ सिक्स करके देखा तो आपने देखा 1300 रुपए मिले, और कब वो 2500 रुपया हो गया आपको पता भी नहीं चला। उसके बाद दोबारा जब आपने खोला तो वापस वहीं पे वहीं उसी लेवल पे वो 1500 रुपए के लेवल पे खड़ा है। तो यहां दिक्कत इस बात की प्रैक्टिकली आती है कि जब आप किसी ब्रोकर के यहां जाके काम करते हैं और जब आप उससे बार बार कहते हैं कि मेरा उलिया देखना, अल्टर एफ सिक्स करके देखना, तो ऑपरेटर चिढ़ जाता है, तो उस चक्कर में हम लोग झिझकने लगते हैं। और इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो आप बोलते हैं मुझे ट्रेडिंग ऑपरेशन नहीं आते, मेरे घर पर कंप्यूटर नहीं है, मेरे यहाँ नेट कनेक्शन नहीं है, तो साल का 1,00,000 रुपया खत्म कर सकते हो आप, 20,000 रुपये का कंप्यूटर नहीं खरीद सकते, 500-1,000 रुपये का नेट प्लान नहीं ले सकते, जिससे आपकी पूरी फैमिली को हजारों तरह के फायदे होने वाले हैं, हम बताएंगे क्या फायदे हो सकते हैं। तो किसी भी चीज में जो तैयारी आप कर सकते हो, जो आपको करना चाहिए, वो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि हर रोज एक ऑपरेटर के भरोसे रहने की वजह से आप या तो 1,000 रुपया कम कमा रहे हो या 2,000 रुपया नुकसान लेके आ रहे हैं। और कई सारी चीजें जो आपको सीखनी चाहिए, जो आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, वो आपने सीखी नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपनी स्पीड को भी बढ़ाते जाइए, क्योंकि ये जो म्यूजिक आप बजाते हैं, जितने अच्छे तरीके से आप बजाते हैं उतना पैसा मिलता है, उतना पैसा बरसता है। तो आपकी उंगलियां सही चलनी चाहिए। तो ट्रेडिंग के लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आपके अंदर जो घबराहट होती है, विचार बहुत चलते हैं, आप घबराते हैं, वो तो स्थिर रहे और उंगलियां तेज चले। लोगों की हालत यह है कि उनके अंदर सब कुछ तेज चलता है, सांसें तेज चलती है, थॉट्स तेज चलते हैं, वो घबराते बहुत है पर उंगलियां धीरे चलती है। इसका उल्टा प्रैक्टिस करना हो जाएगा, प्रैक्टिस कोई दिक्कत नहीं है। तो रोज अपना ट्रेडिंग रिकॉर्ड चेक करें। स्टॉक मार्केट के केस में अगर आपका फ्यूचर है तो फ्यूचर को आपने रख लिया तो ब्रोकरेज वही सेम लगने वाली है, लेकिन अगर आपने डिलीवरी उठा के रख ली तो बिल्कुल कैलकुलेट करके रखना कि आप उसका कितना ब्रोकरेज टैक्स पे करने वाले। कभी कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने 1,000 रुपये का शेयर था और वो 892 बंद हो रहा है, 992 बंद हो रहा है, मतलब 8 रुपये नीचे बंद हो रहा है, तो सोच रहे हैं नुकसान हो रहा है, ये सोच के वो घर ले गए। अब घर ले गए तो उनको ये पता नहीं कि 10-12 रुपये के आसपास ब्रोकरेज टैक्स लग जाएगा, और वो चीज़ अगर कल इसी लेवल पर खुल गई या 1,000 रुपीज़ के लेवल पर भी खुल गई, जो कल का प्राइस था, तो भी आप नुकसान में। तो ब्रोकरेज और टैक्सेस का कैलकुलेशन उंगली पे गिनना सीख लीजिए। तो अगर जब 5 पैसे की ब्रोकरेज है, मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे 100 रुपए का स्टॉक है और 0.05% ब्रोकरेज है, तो 100 रुपए पे आपका जो ब्रोकरेज लगेगा 10 पैसा, तो डिलीवरी में 1 रुपया, 200 रुपए पे 20 पैसा, डिलीवरी में 2 रुपया, और उसका आधा टैक्स जोड़ लीजिए। इस तरीके से फटाफट उंगली पे, क्योंकि आपको इतनी फुर्सत नहीं है, इतना समय नहीं मिलेगा कि आप कागज पे लिख के कैलकुलेट कर सको। तो अगर बार बार इस चीज को कैलकुलेट करोगे, इसके लिए मैं अलग से एक लेसन बनाने वाला हूँ, आप समझेंगे उस चीज को, वहां तत्काल डिसाइड करके और प्रॉफिट को बुक करो। शॉर्ट सेलिंग के अगर शेयर रह गए, कई बार तो आपका ऑनलाइन अकाउंट है तो उसमें यह फायदा है कि वो अपने आप वो 3-10, 3-15 पे पूरा स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, और आपने इंट्राडे बोल के लिया है तो वो पोजिशन आगे नहीं कैरी होगी। लेकिन बाकी दूसरे ब्रोकर्स के यहाँ पे ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर आपने नहीं बोला बेचने को तो वो नहीं बेचेंगे, अगर आपने नहीं बोला खरीदने को वो नहीं खरीदेंगे, और गलती से अगर आपके शेयर शॉर्ट रह गए तो वो तीसरे दिन ऑक्शन में चले जाएंगे, तो उसमें आपको कितना नुकसान होगा वो आप भी नहीं जानते, क्योंकि उसमें जो पेनल्टी लगती है जिस तरीके से वो खरीदते हैं, तो ±20% तक का नुकसान आपको हो सकता है, होता है, जरूरी नहीं है। तो गलती से जो शेयर आपके माइनस रह जाते हैं, वो इसलिए रह जाते हैं कि जब भी आप टर्मिनल छोड़ते हैं, आपको आदत नहीं है कि आप अपना ट्रेडिंग रिकॉर्ड चेक करें। पहली बात, F3 से ऑर्डर बुक चेक करें, जो पेंडिंग ऑर्डर बेकार रह गए हैं उनको हटाओ, और ट्रेड बुक में एफिट करके चेक करो कि सारे ट्रेड्स हो गए कि नहीं, वो पूरी क्वांटिटी में हो गए कि नहीं, ठीक है। शुरू में डे ट्रेडिंग छोटे पैमाने पर करें, तो शुरू में आपको ये चीज़ सीखनी होती है कि छोटे पैमाने पर काम करके और एक सिस्टम को डेवलप करो, जैसे मैकडॉनल्ड ने किया है कि उन्होंने एक जगह पे अपने रिटेल स्टोर को सक्सेसफुली चलाया, साल भर 2 साल चलाया, उसकी रेसिपीज डेवलप की, उसके सिस्टम को डेवलप किया, फिर उस सिस्टम को स्केल अप कर दिया, फिर वैसे 50 स्टोर हुए, 100 स्टोर हुए, 1,000 स्टोर्स हो गए, और लाखों रुपए अरबों रुपए कमा रहे हैं। तो हमको भी वो चीज़ सीखना है अगर हम रियल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन हम रियल बिजनेसमैन तो है नहीं, तो हमारी गैंबलर वाली अगर आदत बन चुकी है कि आज 1,000 ले लिया, कल 2,000 ले लिया, परसों 10,000 रुपये कमाने उठ के चले आए, तो 10,000 अगर लेने आ रहे हो तो 20,000 रुपये जाने के पूरे चांसेस है।
क्योंकि जितने बड़े पाइप से पानी अंदर आ सकता है उतने ही बड़े पाइप से पानी बाहर भी जा सकता है, क्योंकि पाइप तो आपने बड़ा ले रखा है। तो आप उस बात को समझें। और यहाँ पे ये चीज देखना है कि और कामों में जितना काम करेंगे अच्छी बात है, आराम हराम है, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ जितना चुपचाप बैठ सकेंगे उतनी ही आपकी मैच्योरिटी है। यहाँ पे लाल लीला जो भी हो रहा, लेकिन मैं तभी काम करूंगा जब काम करने का रीजन आएगा। रीजन मीन्स जैसे मैंने आपको पैरामीटर्स बता रखे कि बाइंग के पैरामीटर से आधा परसेंट से ऊपर है, बायर ज्यादा है, टीपी के ऊपर चला गया, सेक्टर अच्छा चल रहा है, टाइम ठीक है, बाय करो। अगर ऐसा कोई कारण नहीं है और कोई क्लैरिटी नहीं हो रही तो फ्रस्ट्रेट होने की कोई जरूरत नहीं। गाने सुनो, चार्ट देखो, बीच बीच में स्टडी करो, इधर उधर की बातें करो, ब्रोकर की चाय पियो, मस्त रहो। आपने कौन सा लोन ले रखा है जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं? और लोन ले भी रखा है तो मैं आपको ज्यादा सचेत रहने को बोलता हूँ, क्योंकि लोन का ब्याज भी भरना है, ऊपर से कैपिटल खत्म हो गई तो कैपिटल भी भरना पड़ेगी, तो पैसा नहीं मिलेगा चलेगा। मैं आगे आपको एक बहुत अच्छा सेशन दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे किसी व्यक्ति ने एक एक शेयर की ट्रेडिंग से काम शुरू किया और साल भर के अंदर कैसे 500 शेयर्स की ट्रेडिंग से उसने एक दिन में 1,10,000 रुपये बनाए। वो चीज समझ के आपको पता लगेगा कि ट्रेडिंग का सही तरीका क्या होना चाहिए। तो महीने में अगर 22 ट्रेडिंग सेशंस आते हैं, एक मंथ में 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, 5-7 दिन क्लियर तेजी होती है, 5-7 दिन क्लियर मंदी होती है, 10-12 दिन बिल्कुल क्लियर होते हैं जिसमें आप पूरे 30 दिन के लिए कमाई कर सकते हो। लेकिन अगर 22 दिन में से 22 दिन कमाने की मानसिकता आप लेके आए हैं, आप दूसरा कोई काम कर लीजिए, किराना दुकान चल सकती है, दूसरा कोई काम चल सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो हर दिन आप उठ के चले आ जाते हो, नियम बना के आते हो कि 2,000-4,000 रुपये यहाँ से लेके जाना है, ऐसा नियम यहाँ काम नहीं करेगा। मार्केट जो दे रहा है, अगर दे रहा है तो चुपचाप ले लो, जितना दे रहा है ले लो, जिद यहाँ करना नहीं। क्योंकि जो मार्केट कंडीशन है उनके साथ पहचान के काम करोगे तो किसी दिन 2,000 के 8,000 भी मिलेंगे, 2,000 की बजाय 8,000-10,000 भी मिलेगा, और किसी दिन आप 500 रुपये लेके या 500 रुपये दे के घर जाना पड़ेगा, और वो आपको सीखना जरूरी है। और एक दिन बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है तो अगले दिन गेप करो, ऐसा नियम बना लो। जैसे हम नहीं होते किसी हैवी डिनर लिया तो अगले दिन फास्टिंग अच्छी होती है, तो फिर भी बाजार में तो हम जाते हैं क्योंकि हमको आदत पड़ी है, तो छोटे वॉल्यूम में छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।